हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने एक ऐसी नेचुरल हर्बल रेडीमेड रेमेडी लेके आ रहा हूं, ख़ास तौर से ब्लड शुगर के मरीज़ों के लिए। इस दवाई को जिन मरीज़ों ने लगातार 3 महीने इस्तेमाल किया उनके ब्लड शुगर के लेवल काफ़ी हद तक मेंटेन हो गए और जो HbA1c का लेवल था 3 महीने के बाद वो भी काफ़ी हद तक नीचे आ गया, यानी कि कंट्रोल भी बढ़ गया। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर आपके सामने इस प्रोडक्ट को लेके आऊं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जब इस प्रोडक्ट के फ़ायदे दिखे तो मुझे लगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, जिससे ख़ास तौर से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं और दवाइयाँ खाते खाते उनका इंसुलिन का इवन रेसिस्टेंस तक बढ़ जाता है। तो अगर आपको एक ऐसी दवाई मिल जाती है जो नेचुरल सोर्सेज से बनी हो, जिसको खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, जो आपके किडनी और लीवर पे असर ना डालती हो, तो अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको फ़ायदे मिलेंगे। इस दवाई का नाम है शुगार ट्यून। एक कंपनी है लिमरा रेमेडीज़ के नाम से यूनानी दवाइयाँ बनाती है, उनका ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में मुझे थोड़ी जान लगी क्योंकि और भी बहुत सारे आयुर्वेदा के हर्बल प्रोडक्ट्स देखे हैं, फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे कुछ बेटर ही दिखाई दिया है। तो मैं सलाह दूंगा कि इसको आप इस्तेमाल करें, अपनी जो रेगुलर दवाइयाँ चल रही हैं आप उसके साथ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मुझे लगता है या जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद ये कहीं ना कहीं आपके पैनक्रियाज की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। वहाँ पे शायद ये बीटा सेल्स पे इफेक्ट डालता है और जब पैनक्रियाज के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है या इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको बेटर कर देता है, तो फिर आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल होने लगता है। अगर आप इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो आपके ब्लड शुगर का लेवल भी कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये ऑयल जैसी दवाई है, इसके अंदर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी हर्बल दवाइयाँ होती हैं, कुछ मैं आपके सामने नाम बता देता हूँ। इसमें नीम का ऑयल इस्तेमाल किया गया है, इसमें कलौंजी का ऑयल इस्तेमाल किया गया है, और जो जामुन की गुठली होती है उसका ऑयल इसमें इस्तेमाल किया गया है, शिलाजीत का इस्तेमाल किया गया है, और भी कई सारी इसमें हर्बल दवाइयाँ शामिल है। तो ये एक तेल की फॉर्म में आता है, ऑयल की फॉर्म में आता है, ऐसी छोटी सी शीशी होती है। इसको आप पहले हिला लें अच्छे से और सुबह खाली पेट 15 बूंदे इसकी आधा गिलास पानी में डाल के पी लें। उसके बाद अपनी आप नॉर्मल दवाई खाइए और नाश्ता खाना खाइए जैसे आप रूटीन में करते हैं, और फिर शाम को भी इसी तरीके से खाली पेट 15 बूंदे गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने, और आपकी जो नॉर्मल डोज है उसको आप लेते रहिए। बट हाँ, ये ध्यान रखें कि अपने ब्लड शुगर को ज़रूर रेगुलर मेंटेन करते रहें, चेक करते रहें। अगर ब्लड शुगर का लेवल आपका कम होता दिखे तो या तो इसकी डोज थोड़ी कम करें, या जो आपकी नॉर्मल दवाई है अपने डॉक्टर की सलाह से उसकी डोज को आप थोड़ा कम करें। आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इसके लेने से आपकी डोजेस भी कम हुई है, थोड़ी सी मेंटेन हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, आप अगर मान लीजिए 500 मिलीग्राम की दवाई लेते थे तो शायद वो अब 450 या 300 मिलीग्राम पे आ गई हो या 250 मिलीग्राम पे आ गई हो, वो वाले इससे फ़ायदे आपको मिले हैं और कंट्रोल आपका बेटर हुआ है। साथ साथ आप अपना वर्जिश एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें सो दैट आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे और इन दवाइयों को अच्छे से फ़ायदा मिल सके आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई एम वेरी श्योर आप 2-4-6 दिन में इसका आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं सो दैट बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट जो डायबिटिक पेशेंट परेशान है वो इससे लाभ उठा पाए। और अपना ब्लड शुगर आज की डेट में करा के रखें और HbA1c भी आज की डेट में करा के रखें, और फिर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आप हर हफ्ते हर महीने चेक कर सकते हैं, और HbA1c को आप 3 महीने बाद चेक करें और देखें कि आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। अगर वाकई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।